Myself पूजा वर्मा, मेरे YouTube चैनल टेक एंड प्रोग्रामिंग पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं G+4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रेम पे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं G+4 क्या होता है। जी मीन्स है ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर चार फ्लोर और, ठीक है। तो देखिए यहाँ से काउंट करिए, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, ठीक, यानी टोटल 5 फ्लोर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ द बिल्डिंग जो हमारी रहेगी वो 24 मीटर रहेगी और उसमें 3 बेज रहेंगे। तो ये लेंथ है हमारी बिल्डिंग की, ये जो है आपकी 24 मीटर है और ये 6-6 मीटर के बेज हैं, इसमें 3 बेज हैं, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइट ऑफ द बिल्डिंग की, तो ये आपकी 15 मीटर है जिसमें 5 बेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। इसके बाद विड्थ ऑफ द बिल्डिंग आपकी 18 मीटर और 3 बेज, तो ये आपकी विड्थ है जिसमें ये 1, 2, 3 बेज हैं और ये 18 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइज ऑफ द बीम की, जो कि आपकी 0.30 बाय 0.25 मीटर दिया हुआ है और जो कॉलम दिया है इसका ये डाया दिया हुआ है, ठीक है। 0.25 मीटर मीन्स जो हमारा कॉलम रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कुलर कॉलम है, ठीक है। इसके बाद स्लैब आपकी रहेगी जिसकी थिकनेस दी हुई है 0.125 मीटर की। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को स्टैड प्रो में बीम, कॉलम और स्लैब कैसे असाइन कराना है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी देनी है, कैसे थिकनेस देनी है, ठीक है। तो आते हैं स्टैड प्रो पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाएंगे और इसके बाद फ्रेम मॉडल पे जाएंगे और बे फ्रेम को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में रन स्ट्रक्चर विजार्ड एक अलग से टॉपिक पढ़ाया है, उसका एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेंथ है आपकी 24, नंबर ऑफ बेज हैं 3, हाइट है 15 और नंबर ऑफ बेज है 5, विड्थ है आपकी 18 और नंबर ऑफ बेज है 3, ठीक है। इसको हमने अप्लाई किया तो देखिए इस तरह से ये आपका फ्रेम आ गया और इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पर यस किया और ओके किया, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम आ गया। ग्रिड को हम कर लेते हैं ऑफ। इसके बाद हम जाएंगे जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे हम डिफाइन पे और हमें बीम्स को रेक्टेंगुलर रखना है, तो यहाँ पर आए और हमें YD और ZD देना है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारी 0.30 बाय 0.25, ठीक है। इसको हमने किया ऐड। इसके बाद हमें कॉलम को सर्कुलर रखना है, तो हम यहाँ पे सर्कल पर आएंगे और इसका डाया दे देंगे कितना है 0.25। एड इसको करेंगे क्लोज। अब हमें ये वाली जो एक्स और जेड एक्सिस पे दिख रही है ये आपकी बीम है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, आप इस तरह से फ्रंट व्यू लगाइए और इस तरह से सेलेक्ट करते जाइए कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अब इसको देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में, तो ये देखिए ये सारी जो है बीम्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। या फिर आप सेलेक्ट पे जाकर बीम पैरेलल टू एक्स, अगेन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बीम पैरेलल टू एक्स करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी बीम्स है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली बीम पैरेलल टू जेड करेंगे तो जेड एक्सिस पे बीम्स जितनी भी पैरेलल हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स और यहाँ से इसको करा देना है असाइन और इसको करना है यस, ठीक। ये हमने
असाइन करा दिया। अब आप अपनी बिल्डिंग को देखिए 3D में, तो ये देखिए जितनी भी बीम है वो सारी जो है असाइन हो चुकी है प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं सर्कल पे, और हमें अब जितनी भी बीम पैरेलल है वाई एक्सिस के उनको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट पे, देन बीम पैरेलल टू वाई, और फिर इसको हम असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन करा देंगे और करेंगे यस। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो फ्रेम है वो तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं स्लैब की। ठीक है, तो स्लैब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट पे जाएंगे और बीम पैरेलल टू एक्स, और सेलेक्ट पे जाके बीम पैरेलल टू जेड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है ट्रांसलेशन और सर्कुलर रिपीट, जहां मैंने बताया था उसी के जस्ट बगल में मिरर और रोटेट के बगल में दिया हुआ है फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट्स। ठीक है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए आपकी 45 न्यू प्लेट्स आर क्रिएटेड, और इसको आप कर देना है ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्लेट्स जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हमें देखना है, तो आप यहाँ से 3D रेंडरिंग व्यू लगाओगे और ये देखिए आपकी जो प्लेट्स है वो लग चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमें देना है थिकनेस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्लेट दिखा देती हूँ, ये हम प्लेट कर्सर पे जाएंगे तभी हमारा प्लेट सेलेक्ट होगा। ठीक है, और इसको हम आपको 3D में दिखाते हैं। तो देखिए ये जो है सिर्फ एक प्लेन दिख रहा है आपको, है ना, इसमें थिकनेस नहीं है। अभी हमें इसको थिकनेस प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थिकनेस पे और प्लेट एलिमेंट थिकनेस पे जाकर यहाँ पर आप दोगे 0.125, जो भी आपको देना है आप यहाँ से थिकनेस देके ऐड कर दोगे और फिर करोगे क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्लेट की थिकनेस को असाइन कराना है, तो आप डायरेक्टली असाइन टू व्यू करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स दिख रही हैं सबको हमें सेम प्रॉपर्टी देना है। ठीक है, या फिर आप प्लेट कर्सर में रहकर आप इस तरह से प्लेट सारी सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, देखिए ये सारी सिर्फ प्लेट सेलेक्टेड है। ठीक है ना, अब इस तरह से प्लेट सेलेक्ट करके आप इसको असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स करा के असाइन करा दोगे और करोगे यस। ठीक, अब मैं आपको एक प्लेट दिखाती हूँ 3D में, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए थिकनेस जो है वो आ चुकी है। ठीक है ना, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किसी भी मल्टी स्टोरी फ्रेम में बीम कॉलम और स्लैब को क्रिएट करते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सब में हम लोड को कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ में एनालिसिस करके भी बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।